हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और मौसम भी चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है सबको। दिन में गर्मी रहती है, रात में ठंडक रहती है, तो साफ सभी लोग अपना ध्यान रखें। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई करते हैं। जिस रूम में हम रहते थे उसकी तो मैंने रात में कर दी थी किचन की सफाई। अभी चलते हैं RFPU वाले रूम में, सामने वाले में। वो बहुत मैसी हो रखा है, टाइम मिलता नहीं है। आज टाइम है तो चलिए करते हैं। Thank you.
जो दूसरे रूम का किचन था जिसको हमने स्टोर रूम बना रखा था उसमें भी काफ़ी केचप की हो रखी थी, क्योंकि हम तो पार्लर चले जाते थे, बच्चे अपना यूज़ करते थे। तो मैंने सोचा काफ़ी कर देते, छुट्टी थी हमारी भी, ऑफ दे रखा था उन्होंने भी वहीं से। तो ईद का भी ड्यूटी का टाइम लेट ही था, तो बड़े बड़े जो भी आइटम थे और जो छोटा मोटा सामान बाहर निकाला था मैंने, तो बड़े बड़े कार्टून हम पैक करके रख दिया, क्योंकि एक महीने बाद फ्रिज को आटा मिलने वाला है, इसलिए मैंने सारा पैक कर दिया। तो मैंने कहा सेटिंग कर देते हैं, सफाई भी हो जाएगी दीपावली की और क्लीन भी हो जाएगा। फिर मैंने आरव के रूम का बॉक्स खोला, बेडशीट वगैरह हटा के, इसमें जो एक्स्ट्रा जैसे ये देखिए टेडी बियर था इसको अंदर रख दिया। अब सोच रहे हैं ब्लैंकेट कौन सा निकालें, क्योंकि सर्दी भी आने वाली है, सर्दी शुरू ही हो गई ऑलमोस्ट, तो मौसम चेंज है तो ठंडा लगता है। तो मैंने यही सोचा कि ब्लैंकेट भी निकल जाएंगे और जो रखना होगा सामान वो भी रख लेंगे। ये सारा करने के बाद मैंने झाड़ू उठाई, फिर हम झाड़ू लगाने लगे, पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे किचन में, क्योंकि किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा है। तो यहाँ धुलने थे मुझे बर्तन, तो अभी हम बर्तन धुलेंगे यहाँ के सारे। और बर्तन धुलने के बाद तो गाइस फाइनली हम नहा चुके, टाइम हो रहा है 1 o'clock और अभी 2 बाल्टी कपड़े रखे हैं, पहले डाल के आते हैं फिर बनाते हैं कुछ खाने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा सब्जी बना दिए थे, तो अभी ब्रेड रखी है, तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी मेयोनीज डाल के खीरा कद्दूकस करके उसी के सैंडविच हल्के से बना दो, शाम को खाना बनाना। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो दिखाते हैं आपको कपड़े कितने सारे हो गए। देखिए 2 बाल्टी रखे हैं, 2 बाल्टी डल चुके सुबह ही जो रात को धुले थे। तो अभी पीहू को आवाज़ देते हैं, 1 बाल्टी पीहू ले चलेगी कि हम ले चलेंगे, बहुत सारे कपड़े हैं। तो पीहू नीचे पहुंच गए खेलने के, तो बच्चे खेल रहे हैं। पीहू बेटा कपड़े 1 बाल्टी ले चलो, कपड़े डाल के आते, कपड़े डाल के तो आ गए। बहुत तेज़ धूप थी, काफ़ी टाइम भी हो गया, फटाफट से बना देते हैं सैंडविच, सब लोग खा लेते हैं फिर करेंगे रेस्ट। देखिए हमारे जो सैंडविच हैं अच्छी तरह से दोनों साइड से पक चुके हैं, इस बार आलू के नहीं बनाए, ओनली खीरा कद्दूकस किया है, मेयोनीज है, नमक मिर्ची बस सिंपल से ही बनाए हैं अभी तक, और बना ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब जो खीरा वाले। अभी बज रहे हैं 3, तो अभी पी रहे हैं चाय। चाय आरव देखो सो के आ चुके हैं, कैसे बैठे हैं, तुम सोया तुम, चाय पीते हैं फिर करें कपड़े लेके आते करेंगे प्रेस। आप देख सकते हैं आज हमने ये पूरे यहाँ से लेके ये पूरे मैंने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि 10-12 दिन से मैंने प्रेस ही नहीं किए थे कपड़े, बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो आज मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए। गाइज़ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।